Dear students, I am Naseem Miss, Today we are going to learn English Standard 10, Unit 4, 4.2 Bholi by Khajaima Dabbas. He was an Indian film director, novelist, screenwriter, and a journalist in the Urdu, Hindi, and English languages. His films won national awards. Bhuli. Was the youngest daughter of Ram Lal. Her entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. When she had an attack of smallpox, she had neither good looks nor intelligent. At school, her teacher was very kind and sympathetic towards Bholi. She supported her and made her confident. क्लास की टीचर लड़कियों से कुछ कह रही थी भोली को कुछ समझ ना आया वो दिलचस्पी से दीवारों पर लगी कलरफुल तस्वीरों को देखती रही घोड़ा ब्राउन कलर का था वैसा ही जिस पर बैठकर तहसीलदार साहब गांव का विजिट करते थे बकरी का रंग काला था उसी तरह जैसा उनके नेबर की बकरी का था पैरट उसी तरह ग्रीन थे जैसे उसने बागीचे में देख रखे थे और गाय उनकी लक्ष्मी गाय की तरह वाइट थी और अचानक उसने महसूस किया कि टीचर उसके करीब खड़ी मुस्कुरा रही है क्या नाम है तुम्हारा छोटी बच्ची भो 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 वो हकला कर रह गई फिर उसने रोना शुरू कर दिया आंसुओं का सैलाब उमड़ा चला आ रहा था वो सर झुकाकर एक कॉर्नर पर बैठ गई वो जानती थी कि बच्चियाँ उस पर हंस रही हैं जैसे ही घंटी बजी सारी बच्चियाँ तेज़ी से क्लासरूम से बाहर निकल पड़ी लेकिन भोली में उस कॉर्नर से उठने की हिम्मत न थी वो सर झुकाए हिचकियों से रो रही थी भोली टीचर की आवाज़ इतनी नरम व तसली बख्श थी कि उसके दिल में उतर गई क्योंकि पूरी ज़िंदगी में किसी ने उसे इतने प्यार से नहीं पुकारा था खड़े हो जाओ टीचर ने कहा यह हुक्म नहीं बल्कि दोस्ताना अंदाज था भोली खड़ी हो गई अब तुम्हारा नाम बताओ पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया और जबान फिर कप कपाने लगी मगर उस रहमदिल टीचर का जवाब देना चाहती थी भो भो भो, भो वो हकलाने लगी टीचर ने हौसला बढ़ाया वेल्डन वेल्डन बताओ ना पूरा नाम भ भो, भो, भो भोली आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गई उसे इतमान महसूस हुआ यू लगा बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है वेल्डन well टीचर ने प्यार से सहलाया अपने दिल से डर को निकाल दो दूसरों की तरह तुम भी अच्छी तरह बोलना सीख जाओगी भोली उन्हें देखती रही जैसे पूछ रही हो रियली really? हाँ हाँ ये तो बहुत आसान है तुम्हें हर रोज़ स्कूल आना होगा क्या तुम आओगी भोली ने सर हिलाया नहीं जोर से कहो ये ये यस भोली खुद हैरत रह गई उसे बोलना आता है कहा था ना मैंने अब ये किताब लो किताब कलरफुल तस्वीरों से भरी हुई थी ड कैट गोट हाउस पैरट टाइगर एंड अकाव जस्ट लाइक लक्ष्मी हर तस्वीर के नीचे काले बड़े अल्फाज में उनका नाम लिखा था एक महीने में तुम पढ़ना सीख जाओगी उसके बाद बड़ी किताब दूंगी फिर और बड़ी कुछ वक्त में ही तुम आ, इस गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी फिर तुम पर कोई नहीं हंसेगा लोग तुम्हें सुनेंगे तुम्हारी इज्जत करेंगे तुम हकलाए बिना अच्छे से बात करोगी समझी अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाओ उसे लगा सारे गांव के मंदिरों की घंटियाँ एक साथ बज उठी हों बाहर पेड़ पर सुरफूल फूल खिल उठे हों उसका दिल नई उम्मीद और नई जिंदगी के साथ ज़ोर से धड़कने लगा फोर पॉइंट टू भोली पार्ट टू फिर वक्त गुजरता गया गांव छोटे शहर में तब्दील हो गया छोटा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन गया अब वहाँ टिन के शेड में एक सिनेमा घर और एक कॉटन मिल लग चुकी थी और मेल ट्रेन भी उस स्टेशन पर रुकने लगी थी एक रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा फिर क्या मैं बिशंबर का प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लूँ हाँ यकीनन भोली लक्की है जो उसे इतना वेल टू डू दूल्हा मिल रहा है एक बड़ी दुकान उसका ख़ुद का घर और हज़ारों रुपए बैंक में है मुमकिन है कि वो हमसे जहेज़ की मांग भी ना करे वो सब तो ठीक है मगर वो यंग नहीं है तुम जानती हो उसकी उम्र मेरे बराबर होगी और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है उसकी पहली बीवी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है पैंतालीस पचास आदमियों की कोई बड़ी उम्र नहीं होती हम लक्की हैं कि वो दूसरे गांव का है उसे चेचक के दागों और भोली के भोलेपन का पता ना होगा अगर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी ठीक है मगर भोली क्या कहेगी वो तो भोली है गूँगी गाय की तरह हो सकता है तुम सही कह रही हो रामलाल बड़बड़ाया सहन में पड़े हुए बिस्तर पर लेटी भोली अपने पेरेंट्स की बातों को सुन रही थी विशंबरनाथ एक किराने की दुकान चलाता था वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ यहाँ शादी करने आया हुआ था बारात के आगे पीतल के बैन पर हिंदी फिल्मी गीत की धुन बज रही थी और दूल्हा सजे हुए घोड़े पर सवार था रामलाल ये सब देखकर बहुत खुश था उसे उम्मीद नहीं थी अपनी चौथी बेटी की शादी इतने शानदार अंदाज में होगी भोली की बड़ी बहनों को हसद और रश्क हो रहा था उसकी किस्मत पर फिर वो वक्त आया कि पुजारी ने कहा दुल्हन को बुलाइए सुरख लिबास में सजी भोली को लाकर मुक़दस आग के पास उसकी सीट पर बिठाया गया बिशंबर के दोस्त ने उससे कहा दुल्हन को हार पहनाओ दुल्हने ने फूलों का हार उठाया एक औरत ने बढ़कर दुल्हन का घूंघट उठाया बिशंबर की नज़र जब इस पर पड़ी तो उसने अपना घूंघट फिर से गिरा लिया तुमने देखा उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं बिशंबर ने अपने दोस्त से कहा तो क्या हुआ तुम भी तो जवान नहीं हो दोस्त ने जवाब दिया ठीक है उसकी शादी अगर मुझसे करना है तो उसके बाप को मुझे पाँच हज़ार रुपये देना होंगे रामलाल ने अपनी पगड़ी अपनी इज्जत बिशंबर के कदमों में रख दी और कहा मुझे जलील ना करो दो हजार लेकर मान जाओ नहीं पाँच हजार चाहिए वरना अपनी लड़की अपने पास रखो थोड़ा मेरा ख्याल करो अगर तुम वापस चले गए तो मैं गांव वालों को क्या मुँह दिखाऊंगा फिर निकालो पाँच हजार रुपए रामलाल रोता हुआ अंदर गया और तिजोरी से नोटों की गड्डी निकाल कर बिशंबर के कदमों में रख दिया बिशंबर के लालची चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई वो हार मुझे दो उसने कहा एक बार फिर उसका घूंघट सरक गया लेकिन इस मरतबा उसकी आँखें झुकी हुई नहीं थीं वो अपने होने वाले शोहर को नफ़रत और हकारत की नज़र से देख रही थी बिशंबर ने जूही उसे हार पहनाने के लिए हाथ को ऊंचा किया भोली ने अपना हाथ उठाया और हार सीधा आग में जा गिरा उसने घूंघट भी नोच कर फेंक दिया पिताजी भोली की साफ़ और बुलंद आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी सब हैरान थे उसकी आवाज़ में कोई हकलापन न था पिताजी आप अपना पैसा वापस उठाइए मैं इस शख्स से शादी नहीं कर सकती रामलाल भुचक्का रह गया कितनी बेशर्म है ये लड़की इतनी बदसूरत और बेशर्म मेहमान सरगोशी करने लगे भोली क्या तुम पागल हो गई हो रामलाल चीखा क्या अपने खानदान को बेइज्जत करना है कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो आपकी इज्ज़त के लिए मैं इस लंगड़े बुढ़े से शादी करने को तैयार थी लेकिन ऐसे नीच लालची जलील और बुजदिल को अपना शौहर नहीं बना सकती हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं भोली ने कहा कितनी बेशर्म है ये लड़की हम तो इसे गुँगी गाय समझ रहे थे भोली उस बूढ़ी औरत की तरफ पलट कर ग़ुस्से से बोली हाँ काकी तुम सही कह रही हो तुम सब गाय समझ कर इस जानवर के गले बांधना चाहते थे लेकिन अब यह गगी गाय बोल रही है और कुछ सुनना चाहती हो बिशंबर अपनी बारात लेकर वापस जाने लगा बैंड वालों ने फिर गीत की धुन छेड़ दी रामलाल उसी जगह खड़ा रहा उसका सर दुख और शर्म से झुका हुआ था मुक़दस आग के शोले धीरे धीरे बुझने लगे तमाम लोग वहाँ से जा चुके थे रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उसने कहा लेकिन तुम्हारा क्या अब तुमसे कौन शादी करेगा हम क्या करें तुम्हारा सुलेखा ने धीमी आवाज़ में कहा फिक्र मत कीजिए पिताजी मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूँगी आपका और माँ का ख्याल रखूँगी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने पढ़ना सीखा है ठीक है ना मैडम टीचर एक कोने में खड़े होकर सारा ड्रामा देख रही थी उसने जवाब दिया हाँ भोली, बिल्कुल ठीक उसकी मुस्कुराती आँखों में एक चमक थी जैसे कोई आर्टिस्ट अपनी तस्वीर को मुकम्मल करके महसूस करता है अगर आपके जहन में कोई डाउट्स या सवालात हों तो कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे थैंक्स फॉर वॉचिंग